ओके जी, तो मैंने आपसे कहा था कि हम एलसीएम किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत इजी रेफरेंस दूंगा आपको स्टार्टिंग में, ताकि एलसीएम सबसे पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एलसीएम लेना का लेने का पता हो कि हम एलसीएम लेते किस। तो एलसीएम लेना बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमेशा छोटी क्लासेस, क्लास सिक्स से स्टार्ट करते हैं कि हम एलसीएम पहले किस तरह लेते थे, ठीक है। और फिर दोनों में डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मैंने टास्क दिया था उसने कंप्लीट किया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको टास्क दिया था और उसने लास्ट, पता नहीं, मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस लिखे थे और कहा था कि बेटा इनको आपने सॉल्व करना है। जी, तो अब देख लें, यहाँ पर हम एलसीएम किस तरह लेते हैं ये देखेंगे। रमीज कह रहा है कि सर मैंने कर लिया कंप्लीट फुल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, आपके पास सिर्फ आज के दिन एग्जांपल्स अपनी तरफ से ले लेता हूँ और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व फिर करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चंस भी फिर क्लियर नहीं होंगे। एग्जाम्पल है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि बेटा आप एलसीएम ले लें 1/2। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आवाज़ तो आनी चाहिए। अच्छा, किस किस को आवाज़ नहीं आ रही ज़रा वो भी बता दें भाई, ताकि एक दफ़ा देख लूँ। बार बार फिर हर बच्चा ये बोलता रहेगा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आवाज़ का मुझे बता दें। अगर आवाज़ क्लियर है तो बता दें सर क्लियर है आवाज़, आवाज़ आ रही है। कल से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा कि आप आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है बता, स्लो आ रही है जी। ओके जी, तो यहाँ पर आपके पास हम एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शंस बाद में सॉल्व करना सीखेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेना सीख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बेटा आप मुझे बताएंगे कि 2 और 4 का एलसीएम क्या है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट 2, एलसीएम लेना सीख रहे हैं हम, ठीक है। एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो अब आप किस तरह एलसीएम लेते थे, 2.4, ठीक है, 2.4, सॉरी इस तरह भी नहीं लेते थे। अब किस तरह जाएं, बहुत छोटे से स्टेप में जाना पड़ेगा, 2 अंदर 2, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ, अब आप सोचते थे कि भाई 2 ही 2s आए, तो 2 2s 4, आपने इस तरह लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और आंसर आपका आ गया 4। एलसीएम क्या आया, 4। आप इस तरह एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एक और तरीका था, ये डायरेक्ट था, एक और इस तरह, पता नहीं कौन से एक और मेथड इस तरह हम करते थे कि टीचर आपको बताती थी बेटा अलग अलग करके आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, अलग अलग इसका एलसीएम ले लें। तो आप इस तरह करते थे 2 अंदर 2, 2 2 4, 2 अंदर 2। फिर अब आप यहाँ पे लिखते थे कॉमन फैक्टर्स की तरह कि भाई 2 को जब हमने ब्रेक किया तो वो आया जस्ट 2, और 4 को जब हमने ब्रेक किया था तो आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टीचर कहती थी बेटा बना लो, ठीक है। फिर आप पेयर बना लेते, मतलब लिखते थे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये आ गया कॉमन फैक्टर, ठीक है, 2, दोनों में सेम था। और जो रिमेनिंग फैक्टर है वो भी लिख लें, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते तो आपका एलसीएम होता था। इस तरह हम करते थे एलसीएम, याद आया कुछ, ठीक है। इसी तरह हम, क्योंकि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें एलसीएम लेना है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम लेना है, तो अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम किस तरह लेंगे ये देखें। आपके पास यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अगर सेम बेस, बेस पता है किसे कहते हैं, याद रखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं बेस, और जो स्क्वायर है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहां पर आपके पास बेस है एक्स और यहाँ पर भी है बेस एक्स, यहाँ एक्स की पावर है 1 और यहाँ पर एक्स की पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, तो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही आपका एलसीएम होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेना है तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब यहां पर एक जनरल मुझे बात बताएं, अगर मैं x की जगह लेता हूं 2, यहां ले लिया 2, और x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो आंसर क्या आया, 2 और 4 का आंसर क्या आया था एलसीएम में 4, ठीक है। तो इसी तरह 2 और 4 का एलसीएम अगर मुझे डायरेक्ट लेना है तो आंसर क्या आया था 4। तो यहाँ पर x और x स्क्वायर का जब एलसीएम लिया आंसर क्या आया x स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सिंपल आपके पास नंबर्स है, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट वेज में एलसीएम लेना सीखेंगे कि हम डिफरेंट वेज में एलसीएम यहाँ पर किस तरह लेते हैं, ठीक है जी। तो इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसी तरह आपके पास कुछ और वेज है जिसमें हम एलसीएम लेते हैं। लाइक सपोज अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, तीनों की बेस मैंने यहाँ पर सेम रखी है, ठीक है। मैं कहता हूँ आपसे कि बेटा आपने एलसीएम लेना है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, तो अब आप देखो बेस सेम है, ठीक है, आप देखो बेस सेम है सबकी, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स सबकी बेस सेम है, पावर्स चेंज है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 3 है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर बेस सेम है पावर चेंज है तो जिसकी हाईएस्ट पावर है वही एलसीएम होगा, जैसे एक्स क्यूब ये आपका एलसीएम है, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। ये एग्जाम्पल हो गई। एक और एग्जाम्पल देखें यहां पर, अब यहां पर मैं दे रहा हूं आपको एक्स और एक दे रहा हूं एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं बेटा बेस चेक करो, बेस यहां पर बेस है जस्ट एक्स और यहां पर एक बेस है एक्स प्लस 1। अब आप सोचेंगे नहीं सर कहां से आई, यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स भी तो है, तो यहां पर एक्स का एक हो गया मतलब सेम है, तो समझ नहीं आया सर, आप दोबारा बता दें। एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सी एग्जाम्पल यहां ये है, अगर मैं यहां पर लेट सपोज करता हूं कि एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2, क्योंकि आपको नंबर्स के फॉर्म में ज्यादा जल्दी समझ में आता है, तो एक्स की जगह 2 ले लिया, तो अगर मैं इस एक्स की जगह 2 रखता हूं तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब आप मुझे बताएं 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो डिफरेंट ही आएगा। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, अगर एक आपके पास नंबर है एक्स और एक है एक्स प्लस 1, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो ये एलसीएम होगा आपका। मतलब अगर डिफरेंट बेसिस हैं तो आपके पास वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी और वो एलसीएम में आ जाएंगी आपके पास। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह। अब देखें यहां मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, मुझे आपने चैट बॉक्स में बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखकर बताएं, ऊपर लिखा हुआ भी है कहीं अगर आप देखें तो, क्योंकि एलसीएम लेना नहीं आएगा ना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा एलसीएम लेना, किस नाम एलसीएम लेते हैं ये बार बार रिपीट नहीं होंगी क्लासेस में। तो यहाँ पर सैयद हसन अनस बताते हैं सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, गुड, यही इसका एलसीएम है। तो यहाँ पर मैं आपको क्योंकि जो उन्होंने बताया है, अच्छा रमीश एक्स प्लस 1 कॉम डॉट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो रमीश ने यहाँ पर फिलहाल एलसीएम जो मैंने बताया है वो गलत है, जो हसन ने बताया है, नाम शायद हसन ही है, दोबारा चेक कर लेता हूँ, जी हसन ने जो बताया था वो एलसीएम है। यहाँ पर अब आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेस ली थी एक्स प्लस 1 और यहाँ पर बेस क्या ली थी एक्स प्लस 1, तो दोनों की बेस सेम थी, बट यहाँ पर एक्स प्लस 1 की पावर थी 1 और यहाँ पर थी पावर 2, तो जो हाईएस्ट पावर होती है बेस अगर सेम हो तो वो एलसीएम होता है, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इसका एलसीएम है, ठीक है जी, तो ये इसका एलसीएम। अब इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स अगर मैं आपको और दूं, तो यहां पर मैंने लिया x, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर। चले अब मुझे बताएं अब एलसीएम क्या हो, जरा ध्यान से आराम से, क्योंकि हमें समझना है, भागना नहीं है, कोर्स कंप्लीट नहीं करना, भागना नहीं है, मतलब आराम से समझ के जाना है, और एक दफा जब मैं समझाऊंगा तो फिर मैं बार बार वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हसन ने बताया और लाइबा ने बताया कि भाई x प्लस 1 सॉरी x डॉट x प्लस 1 होल स्क्वायर, x डॉट x प्लस 1 होल स्क्वायर, और किस किस ने बताया वो भी चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर लाइबा ने मुझे बताया, हसन ने सही बताया, अमानुल्ला ने भी सही बताया और रमीज ने भी सही बताया। अब मतलब आप सबको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि यहाँ पर
जो हमने एलसीएम लिया है वो किस तरह लिया है कि यहां पर जो इन दोनों में x प्लस वन था वो बेस थी आपके पास, यहां पर पावर वन थी यहां पावर टू थी, तो ये सेम बेस थी, पावर डिफरेंट थी तो हाईएस्ट पावर आ गई, क्योंकि x डिफरेंट है तो ये आपका आंसर आ गया और ये है आपका एलसीएम। इसी तरह अब आपको एक और चीज मैं बताता हूं, चलूं यहां पर, अब आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वन एक्स माइनस वन, अब मुझे बताएं एलसीएम क्या होगा इसका, x प्लस वन एक्स माइनस वन एलसीएम लेना है मुझे, अब मैं एलसीएम क्या लूं, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ करे तो आप जिस तरह मैंने यहां पर सपोज किया ना इस तरह अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लें एक्स, तो आपको खुद पता चल जाएगा डिफरेंट बेस है या सेम है। तो यहां पर हसन ने मुझे बताया सर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन यहां पर इसका आंसर होगा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं एक्स की जगह रखता हूं टू तो टू प्लस वन थ्री और टू माइनस वन क्या होगा वन, तो डिफरेंट है दोनों, तो यहां पर दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, तो बस इतनी ही बात करनी थी कि एलसीएम क्या था। अब और इससे थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं, अब आप मुझे यहां पर बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, चले जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पर तीन मैंने नंबर्स लिखे हुए एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस फोर कॉमा एक्स प्लस टू कॉमा एक्स माइनस टू, सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीस थ्री नंबर्स और एक्सप्रेशंस, हरी अप। तो यहाँ पर मुझे हसन ने इसका आंसर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर कॉमा सॉरी वही मल्टीप्लीकेशन है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, जबकि इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, तो लाइबा का आंसर देख लें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, ये भी गलत। रमीज ने मुझे यहाँ पर आंसर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर डॉट एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ये भी गलत। तो अभी तक मुझे तीन स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हसन लाइबा और रमीज ने, और तीनों ने ही गलत दिए। सोचे कहाँ गलती की है, सॉल्व वॉल्व किया नहीं, बस ऐसे ही बस बता दिया देख कर, सॉल्व वॉल्व तो करें पहले आप आराम से, थोड़ा सा मैंने कहा था ना सॉल्व करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चले जी मैं बताता हूँ आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना था, क्या करना था आपने सबसे पहले, आपने यहाँ पे इसको सबसे पहले सॉल्व करना था इस वाली टर्म को। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व क्या करना था, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि फोर टू का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है जी, इसकी जगह ये दो नंबर आ गए। ठीक है, और आगे भी मेरे पास कौन से नंबर है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अब जब मुझे एलसीएम लेना है तो गौर से देखें, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम होगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसका एलसीएम ये था, या ये कह लें आप। ठीक है, तो इन तीनों का आपने ध्यान से देखना है वरना आप गलत कर देंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एलसीएम गलत आया हमें समझ में नहीं आया कि हमने एलसीएम किस तरह लेना है, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुछ समझ में भी आ रहा होगा आई होप। चले जी, इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर फर्दर कंटिन्यू करूँगा एक्सरसाइज नहीं एलसीएम लेना। ठीक है, अभी जस्ट सिंपल एलसीएम है यहाँ पर आपके पास, क्या करूँ क्या लिखूँ, चले थोड़ा सा और डिफिकल्ट करके दे देता हूँ मैं आपको, मिटाता हूँ पहले इसको। Thank you.
चलिए जी, अब एलसीएम देख लें आप, अब आपके पास क्या होगा, एक्स कॉमा टू एक्स प्लस वन कॉमा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका एलसीएम देख के बताएं क्या होगा, आराम से पहले इसको सॉल्व करें रफ कॉपी में, दो से तीन लाइनों का आंसर है इसका, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो, वरना डायरेक्ट भी नज़र आ रहा है मुझे कि इसका एलसीएम क्या है, ठीक है, डायरेक्ट भी वरना पता चल रहा है इसका एलसीएम क्या है आपके पास। अच्छा जी, तो आंसर आया है, सैयद हसन ने मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बताया है सर, इसका आंसर है एक्स टू एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन। तो ये आंसर बिल्कुल आपका ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ये सॉल्व हो सकता है, किस तरह, टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से जब ओपन होगा हो जाएगा 2x प्लस वन टू एक्स माइनस वन। अब आप कंपेयर कर लें जी, ये x एज इट इज है, 2x प्लस वन एज इट इज है, अब देख लें कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वो सारे आ जाएंगे, सेम एक दफ़ा आ जाएगा, तो ये x 2x माइनस वन ये दोनों डिफरेंट है और जो सेम है वो एक दफ़ा आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हमने एलसीएम क्या लेना है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है एलसीएम लेना फर्स्ट ईयर की मैथ्स में, ठीक है। अब थोड़ी फर्दर इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे आपके पास, ठीक है, कि अगर आपने एलसीएम लेना है तो आपके पास लिखा हुआ होगा 2x एंड, और इसके साथ अगर आपके पास लिखा हुआ है 6x स्क्वायर। चलें जी, अब एलसीएम लेंगे, अगर आप देखेंगे तो किस तरह, एक एग्जांपल मेरा काम है बताना आपको। तो देखें, आपने यहाँ पर अगर एलसीएम लेना है, तो पहली चीज कोफिशियंट्स जो हैं आपके पास, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट का यहाँ पर एलसीएम आप अलग लें और वेरिएबल्स का एलसीएम अलग लें। तो पहली चीज जाना ऑब्जर्व कर लें, यहाँ पर क्या चीज ऑब्जर्व करनी है भाई, वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स स्क्वायर इन दोनों का आपके पास जो एलसीएम है वो होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो नंबर है वो टू है और यहाँ पर जो नंबर है वो सिक्स है, तो दोनों का एलसीएम आप इस तरह ले लें, टू सिक्स का, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो टू थ्री ज़ा सिक्स, तो इसका एलसीएम हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर बताने का ये था, वेरिएबल का एलसीएम अलग ले लें, कोफिशियंट्स का अलग ले लें। जब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो फिर आप ईजिली वहाँ पर एलसीएम लिख सकते हैं। इसी से रिलेटेड अब आप एक और एग्जांपल देख लें, अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है इस तरह 25x प्लस वन, ठीक है, कॉमा 20, यहाँ पर अगर आपके पास लिखा हुआ है जस्ट 20, ठीक है, और इसके साथ अगर हम कर दें x, तो सिंपल है, ठीक है, आप क्या करोगे, ये और ये वेरिएबल्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों पहले एलसीएम में लिख दें आप, दोनों डिफरेंट थे ना, लिख दिए 25 और 20 का एलसीएम ले लें, 25 20 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा और 5 1 ज़ा और 4 एज इट इज़, फिर 2 2 ज़ा फिर 2 1 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25 50 100, ठीक है। तो अगर वेरिएबल्स भी साथ हो और उसके साथ मतलब कांस्टेंट भी हो तो आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं। तो जस्ट अभी पहले सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इसका मुझे एलसीएम लेके दिखाएं कि इसका एलसीएम क्या होगा।
36x, 6x2, इसका एलसीएम क्या होगा? तो मेरे पास यहाँ पर एक रिप्लाई आया है और वो कह रहा है 36x2 होगा, और रमीज ने मुझे इसका आंसर दिया है। तो 36x2 इस तरह होगा क्योंकि x और x2 में एलसीएम x2, 36 और 6, अगर आप इस तरह भी करते हैं तो 6 6 36, सॉरी अब आपको वो आदत होगी 2 के टेबल वाली, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 18 2 3 2 9 3 as it is 3 3 3 1 3 तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एलसीएम था। तो ये थे एलसीएम वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स के, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया कि एलसीएम हमें किस तरह लेना है वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का, क्योंकि अब जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं अब समझ लें बहुत ही कम बताऊँगा, ठीक है, मतलब वो जस्ट ये बताऊँगा कि बेटा इसको हमने सॉल्व किस तरह किया है, और जस्ट ये बता दूंगा कि बेटा हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। अब वो खुद ही करता रहेगा कि भाई एलसीएम किस तरह लिया है, क्योंकि बार बार एक चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। एक क्लास में कर दिया डेली तो रिपीट हम यही नहीं करेंगे ना, तो क्योंकि हमारे अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, बट कोर्स में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें, और अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब मैं फ्रैक्शंस, कोई बता सकता है फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है डायरेक्टली कि फ्रैक्शंस हमें किसे कहते हैं? तो मैं फिलहाल खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, रमीज ने कहा अपॉन में जो होता है, ठीक है अपॉन में होता है क्योंकि हमें पता है अपॉन, हसन ने कहा है 1/3 फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फ्रैक्शंस समझ लें, पहले फ्रैक्शंस क्या है। अब देखिए फ्रैक्शंस में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि फ्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्या फ्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स? मतलब वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे x2/3, ठीक नहीं है x2/3। अब ये फ्रैक्शन है, इसमें नंबर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जो किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में जिस तरह अभी मुझे हसन ने बताया भाई 1/3 सही है, एक फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। अपर पार्ट याद रखिएगा न्यूमरेटर होगा और लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होगा, तो इन दोनों न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, एन अपॉन डी इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल थी। अगर आप इस फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखोगे या किसी भी वेरिएबल लिखोगे तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पर ये करते हैं, अरे यार इसको सॉल्व करना है, मतलब लिखा हुआ था क्वेश्चन सिंप्लीफाई, अब बच्चे किस तरह इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे इतना आसान तो है, एक्स से एक्स को काट दिया, आंसर आ गया 1। ठीक किया ना सर, सर ऐसे क्यों नहीं होता सर, एक्स को क्यों नहीं करते हम ऐड? तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल समझो, आप सपोज करो लेट लेट एक्स बराबर है 2 के, ठीक है, हमने लिखा बेटा आप इसको सॉल्व करके दिखाएं 2+1/2, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटा अगर एक्स 2 के बराबर है तो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2+1/2, आपने इस तरह सॉल्व किया है, बच्चे बोलेंगे जी सर इसी तरह तो सॉल्व होता है, हमने तो इसी तरह पढ़ा था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप इसको किस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं। अब आपको नंबर्स की फॉर्म में तो सॉल्व करना आता है बट वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं आता, आपने 2 से 2 काटा आंसर आ गया 1, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सॉल्व नहीं हो सकता था, इसका आंसर एज इट इज रहना था वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि हमें एक्स का नंबर ही पता, हमें ये नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये एज इट इज रहना था। और इसकी एग्जाम्पल इस तरह की है कि अगर आप 2 में 1 ऐड करो तो 3/2, और 3/2 को जब डिवाइड करवाओगे तो 1.5, तो 1 और यहाँ 1.5 बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर करो 5+1/5, तो आप 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ लिखा हुआ है x2+1/x2,
तो अब बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट देंगे, वन बचा देंगे। अरे भाई इस तरह नहीं कैंसिलेशन होती। फिर पूछते हैं सर ऐसे क्यों नहीं होता, तो अब इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि 5 का स्क्वायर 25 से 25 काट दिया, वन आ गया। तो बहरहाल ये वो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो अनजाने में हो जाती है, मतलब पता होने के बावजूद भी हो जाती हैं। ठीक है, लाइक सपोज एक और एग्जाम्पल जो मुझे हंसी आती है जब हम पेपर चेक करते हैं, लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा जी, अब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, अब ये देखें हंसी आती है बहुत अच्छे तरीके से, वन से वन कैंसिल, क्या करूं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल, आंसर आया एक्स, गुड। क्या बात है उस बच्चे की। अब यहाँ पर नहीं आया अगर समझ में, तो भाई हम सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको इस तरह करके देख रहे हैं, 4 से 4 आपने काट दिया, 1 से 1 आपने काट दिया, तो यहाँ पर आपके पास जस्ट 1 ही बच रहा है। क्या बच रहा है, जस्ट 1 ही है आपके पास। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, अब आप ये देख लें जरा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल ही गलत किया है। आपके पास इस तरह सॉल्व करने में आंसर क्या आ रहा है, जस्ट 2, बट अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें 4 प्लस 2 क्या होगा 6 प्लस 1 7, 7 बाय 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर समथिंग कुछ पॉइंट्स में अगर हम चेक करें तो 7 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर होगा 1.4। क्या आंसर होगा 1.4। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं, मतलब कभी भी नहीं आए ना, तो मेरा मतलब यहाँ पर समझाने का ये है, मतलब मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जो बच्चे गलतियाँ करते हुए आ रहे हैं मैट्रिक में, एट क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसी तरह करते हैं। तो आपने यहाँ पर ये छोटी मोटी सी गलतियाँ नहीं करनी, समझ नहीं आए तो उसको इस तरह सपोज कर लिया करें, सपोज कर लेंगे तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। वैसे तो उम्मीद है कि मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब प्रैक्टिस करनी है आपने, उस प्रैक्टिस में जब आप आ जाओगे तो इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हमने यहाँ पर फ्रैक्शंस को किस तरह सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस में एलसीएम किस तरह लेना है ये समझ लें। ये मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, अब आपका जो भी एलसीएम लेने का तरीका हो आप उस तरह कर सकते हैं, बट अगर आप मेरे वाले तरीकों को फॉलो करेंगे, मैं ये नहीं कहता भाई आप मेरे तरीकों को फॉलो करें, बस जो मैं बता रहा हूँ बस वही करें, इसके अलावा कुछ नहीं करें, तो जो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वो भी खराब हो जाएंगे। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी जिंदगी में ना, जब कभी एलसीएम ले रहा हूँ फ्रैक्शन के अंदर, तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर आपने फॉलो कर लिया और प्रैक्टिस कर ली तो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सपोज कर लें, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का है कि मैं आपको बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। लाइक सपोज अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है x ओवर 3 प्लस y ओवर 4, मैंने कहा बेटा बच्चों ये सॉल्व करो जरा, बच्चे क्या करते हैं, हकीकत बात बता रहा हूँ, और ये चीज तकरीबन 70% स्टूडेंट में, ये 4 यहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y, और इन दोनों का एलसीएम आप ले लोगे तो 3 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, तो 2 2 4, 4 3 12। सर ये आंसर है, यहाँ तो तुक्का लग गया, अच्छा हो गया आपका आंसर। बट इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन दिया जाता है और वो इस तरह का दिया जा रहा है कि x ओवर यहाँ दे दिया 3 और प्लस y ओवर 6, ये देखें 3 और 4 दोनों डिफरेंट नंबर्स थे तो एलसीएम इजीली आ गया। अब क्या करोगे 6 3, आप लिखोगे 6x प्लस 3y ओवर, अब आप यहाँ एलसीएम लोगे 3 का और 6 का, तो 3 1 3, 3 2 6 और यहाँ 2 1 2, तो 3 2 6। सर ये इसका आंसर है। फिर अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे नहीं सर यही आंसर है। अगर मैं बोलूंगा बेटा कॉमन लेना, तो आप बोलेंगे सर कॉमन क्यों लेंगे, इसको सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, सर इसमें तो नहीं किया था, इसमें क्यों कर रहे हैं। तो एक जस्ट कॉमन जो चीज़ बता रहा हूँ आपने उस तरह इसको फॉलो करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा 3, उसके बाद कैंसिलेशन करनी पड़ेगी। तो अब देखें मैं एलसीएम किस तरह बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है, ताकि फिर हमारे जो जितने भी एलसीएम वाले
क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 over x। चलो पहले बहुत इजी वाला इसी तरह करवा देता हूँ ताकि फिर आप सॉल्व कर लें। 5x over 2 प्लस 3y over 8। पहली चीज समझना है, हम एलसीएम किस तरह लेना है। जब एलसीएम हम लेते क्यों है फ्रैक्शंस में, ये बता रहा हूँ। एलसीएम हम फ्रैक्शंस में इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस हो उन सारे फ्रैक्शंस को हम एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर 2 fractions हैं। क्या है मेरे पास यहाँ पर? 2 fractions हैं। अब फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? फर्स्ट फ्रैक्शन है 5x over 2 और सेकंड फ्रैक्शन कौन सा है मेरे पास? 3y over 8। 3y over 8 ये 2 fractions है। अब देखें, अगर मैं बताऊं ये जो फ्रैक्शनल लाइन है जो बीच में है 5x और 2, जिसको हम अपॉन कहते हैं, अपॉन, ये फ्रैक्शनल लाइन है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल लाइन दोनों की अलग है, इसीलिए ये 2 fractions हैं। अब फ्रैक्शंस यहाँ पर जब 2 different हैं तो अब हमें एक ही फ्रैक्शन बनाना है इन दोनों को, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेटा हम इसके इसमें एलसीएम ले रहे हैं। बात समझ में आई? हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। अब एलसीएम का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर है 2 और 8, इनका आप एलसीएम ले लो। तो आप इस तरह लोगे 2 under 2, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और फाइनली 2 under 2। तो 2 2 are 4, 4 2 are 8, एलसीएम आ गया। क्या है एलसीएम? यहाँ पर भी लिख लेते हैं भाई, एलसीएम आया मेरे पास 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटर में प्लस है यहाँ पर प्लस ही लगाऊंगा, और प्लस से पहले 2 brackets अगर 2 fractions है और प्लस के बाद 2 brackets, ठीक है जी। प्लस से पहले 2 brackets, प्लस के बाद 2 brackets, और जो डिनोमिनेटर से उनका हमने एलसीएम, जिस तरह अभी मैंने आपको लेना सिखाया है कि अलजेब्रा, सॉरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एलसीएम किस तरह लेते हैं और जो नंबर है उसमें एलसीएम किस तरह लेते हैं, तो नंबर्स के भी आपको आते हैं और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपने एलसीएम लिए वो भी आपको आते थे, बस वो मैंने रिवाइज करवाया आपको जस्ट। तो अब आपने इस तरह करना है। फिर क्या करेंगे भाई उसके बाद? एक स्टेप बताऊं, उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये फर्स्ट ब्रैकेट है, मतलब साइन जो है ना प्लस जो लगी हुई थी इससे पहले जो 2 brackets है, इसमें जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसमें आप फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है आपका 5x, ठीक है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है आपके पास 3y, तो उसको आप कहाँ लिखोगे? उसको आप प्लस के बाद लिखोगे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, ठीक है। दोनों के फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट आपने क्या किए? फिल्ड कर दिए। फिल्ड करने के बाद अब आप यहाँ पे रफ वर्क में 2 times जो एलसीएम आया था, ये 2 times एलसीएम लिखे हैं। फर्स्ट टाइम इस एलसीएम को जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या था? 2, और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या? 8। 2 times एलसीएम न्यूमरेटर में रखा, जो दोनों के डिनोमिनेटर्स में थे वो नंबर रख दिया। अब इसको कैंसिल कर दे, 2 under 2, 2 4 are 8, 4 यहां लिख दे क्योंकि 2 से कट किया है, 8 है, 8 1 are 8, तो यहां पे 1 लिखते हैं। तो सेकंड जो आपके पास ब्रैकेट होगा उसको हम किससे फिल करेंगे? उसको हम फिल करेंगे यहां पर रफ वर्क में एलसीएम से। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि रफ वर्क में इस तरह करना है, वरना इसको डायरेक्टली करेंगे तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे 20x प्लस 3y over 8, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ उस मेथड से जिस तरह आप लोग करते हैं। आपने एलसीएम लिया, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40x, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6y, 2 और 8 का एलसीएम लिया तो आया 8, ठीक है। अब आपने इस तरह एलसीएम ले लिया, अब आपको बताएंगे बेटा अब इसको सॉल्व करें। अब आप इसको सॉल्व करें तो आप सॉल्व किस तरह करेंगे? जब आप उसको कॉमन लेंगे जब आप 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 20x प्लस 3y over 8,
तो 2 × 2 = 8, आंसर क्या आ रहा है 20x + 3y/4, गलत आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने इस तरह एलसीएम लेना है, मिटा दिया गलती से, रिमूव हो गया वो, तो अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम ध्यान से लें। अब दोबारा लिख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, और उसके बाद मैं आपको कुछ एक टास्क देता हूँ, आपने उसका एलसीएम लेना है। जैसे अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, वो समझना। आप यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 5, यहाँ पर 5 के साथ मैं कह देता हूँ 5y/8 − x + 1/3, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा बेटा एलसीएम लो इसका। अब आप सोचेंगे सर यहाँ एलसीएम क्यों लेंगे, तो मैं बता देता हूँ दोबारा। एलसीएम आप इसलिए लेते हैं ताकि जो डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं उनको आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आप इजीली उसको सिंपलीफाई कर सकें। तो यहाँ पर अब आप एलसीएम किस तरह लोगे, एलसीएम के लिए यहाँ पर आपने एक फ्रैक्शनल लाइन ड्रॉ की, 8 और 3 का एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 8 × 3 था वैसे 24 हो जाए, आपके पास आंसर यही आएगा, बट नहीं आता तो 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 2, 1 × 3 आएगा यहाँ पे 3 × 1 = 2, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 3 × 24, ये एलसीएम आया है। आपने एलसीएम यहाँ पे अपने माइंड में रखना है। ये माइंड में क्या रखा, 24 है, ठीक है। माइनस के बीच में तो माइनस लगा ले, इससे पहले दो, सॉरी साइन से पहले दो ब्रैकेट और साइन के बाद दो ब्रैकेट, डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूमरेटर में क्या है। ये 4 ब्रैकेट्स आपने फिल्ड करने हैं इस तरह, किस तरह। अब देखें एलसीएम ले लिया, देखिए फ्रैक्शन एक बन चुका है, ये माइनस भी आ चुका है बीच का। अब जो माइनस से पहले वाला फ्रैक्शन उसके न्यूमिनेटर में क्या है, 5y, तो आप लिख लो बेटा 5y। अब माइनस के बाद क्या है, x + 1, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरी एक आपके पास टर्म है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे x + 1, ठीक है, दोनों फिल्ड कर लिया, मतलब 8 से ऊपर क्या लिखा था न्यूमिनेटर में, 5y, तो 5y आ गया, x + 1 लिखा था, x + 1 लिख दिया। अब बचा रफ वर्क, ये रफ वर्क आपने माइंड में करना है। मैंने कहा बेटा 8 से डिवाइड करवाओ, तो आंसर आएगा 3, 24 को 8 से डिवाइड करवाओ। तो रफ वर्क में आपने जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, खैर वो गलती से रिमूव हो गया, 24 को सबसे पहले किससे डिवाइड करवाएंगे, 8 से, क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या है 24, तो या आप ये कह लें कि आपने एलसीएम कितनी दफ़ा लिखना है, कितने फ्रैक्शन है, 2, तो 2 मरतबा एलसीएम लिख लें, 2 दफ़ा एलसीएम लिख लिया, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या 8 आ गया, दूसरे में क्या 3, तो 3 आ गया, 8 × 8 = 8, 8 × 3 = 3 आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 8। अब देखें यहाँ मैंने दोनों डिफरेंट नंबर लिए थे, अब आप क्या कहते हैं, सर 3 यहाँ आ गया देखे ना और 8 यहाँ आ गया, बात तो एक ही है। मैंने इसी तरह जो एग्जांपल है वो जो प्रीवियस वाली थी वो यहाँ से रेज हो गई, ठीक है, तो उसमें जब डिफरेंट होते हैं ना तो बच्चे गलती कर जाते हैं उसमें, और ये कोई रूल नहीं है कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। तो 3 × 5 = 15 बाय, अब ये माइनस है तो माइनस, कभी भी फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस हो तो माइनस के बाद वाली जो भी टर्म्स होंगी आप उनको ब्रैकेट में ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8x + 1, 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 8x + 1 और यहाँ आ गया 24, तो अब सिंपल ये क्या हो गया 15y − 18x − 1, और अब ये सॉल्व मजीद नहीं हो सकता, ठीक है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो पूछ ले, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ। सॉरी यहाँ पर 8x + 8 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी थी, तो अमान ने उसको बताया सर 8x + 8 है, तो उसको जरा सही कर रहे, तो सही हो गया। अब यहाँ पर किसी को एलसीएम लेने में या फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, तो मैं फिर लास्ट जो हमारा वीक था उसमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमारा एक रह गया था पार्ट 3, तो हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो पूछ लें, अभी कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज जस्ट लिख लें सर क्लियर हो गया, तो आगे चल लेंगे फिर।
ओके आगे चलते हैं फिर। चलो भाई आगे चलो, आ गए आ गए। तो एक्सरसाइज हमारी थी 3.1। और 3.1 में हमारा पार्ट था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 3। अब देखिए यहां लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रैक्शन 3x+3 ओवर x-2 माइनस 2 होल नंबर 2 ओवर 3 इक्वल्स टू x+2 ओवर x-1। ठीक है जी, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लें ध्यान से। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर जो टू फ्रैक्शंस हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो होल नंबर है सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन बना लें होल नंबर से, इसको हम होल नंबर कहते हैं। तो आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखना है x+3 ओवर x-2 माइनस 3 2 6 6 + 2 8 8 ओवर 3। ठीक है, 3 2 6 6 + 2 8 8 ओवर 3 आ गया। तो ये अब फ्रैक्शन बन गया होल नंबर से, बाकी एज इट इज x+2 ओवर x-1 यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब वही जो अभी आपको चीज समझाई थी। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि 3 आ जाएगा x माइनस 2 वहां आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शनल लाइन ड्रॉ करनी है, इज इक्वल्स टू लगाना है। x-2 और 3 दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। समझाया था ना, वेरिएबल और कोफिशियंट्स का अलग। अगर वेरिएबल और यहाँ पर आपके पास वेरिएबल कोफिशियंट्स है तो आपने देखना कि x-2 एक टर्म है, x-2 के अलावा अगर कुछ होता तो वो ब्रैकेट लगा के बाहर नंबर आपको शो करते हैं। बट x-2 डिफरेंट नंबर है और 3 एक डिफरेंट नंबर है, तो दोनों एलसीएम में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, 4 ब्रैकेट्स बना दिए। तो पहले ब्रैकेट में क्या आता है, न्यूमरेटर आता है, दूसरा लीव कर देते हैं, फिर सेंटर में माइनस होती है। ठीक है, या माइनस होता है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड लीव कर दिया। अब जरा ध्यान से देख लें, जो एलसीएम आया है उसको आप देखें, जरा लिखा हुआ है 3x-2, उसको x-2 से डिवाइड करवाएंगे तो जस्ट आएगा 3, और 3x-2 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आएगा x-2। ठीक है जी, तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर हमने ले लिया। अब हमने ये डायरेक्टली करना था, वो तो अभी मैं जिस तरह लिख रहा था वो इसलिए कॉमन लिख रहा था कि आपको वो समझ में आ जाए। दोबारा बता देता हूँ, 3 और x-2 दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो आया 3 × x-2। एलसीएम अगर सही लिया तो अब एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाओ, आएगा 3, क्योंकि 3x-2 में से x-2 को डिवाइड करवाओगे तो x-2 कैंसिल, जस्ट 3 बचेगा, और 3x-2 को 3 से डिवाइड करवाओगे तो जस्ट आपके पास यहाँ पर x-2 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर ही एज इट इज, अब क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 9। अब माइनस है ना, तो माइनस इसी तरह रखें, या अगर आप माइनस को साथ लेके चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। -8 को फिर आप x से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा -8x, और -8 को -2 से करवाएंगे तो --+8 2 16। इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x+2 x-1। जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो जाता ना कोई भी फ्रैक्शन, जब तक आप उसको इसी तरह लेते चलेंगे। जैसे अभी ये फ्रैक्शन और सिंप्लीफाई होगा तो इसको यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। 3x में -8x कर लें तो ये जस्ट आ जाएगा -5x। क्या किया है, अब मुझे लाइक टर्म्स शो करनी है तो देखो मैं डॉट से शो कर सकता हूँ, ये डॉट और ये डॉट एक जैसे, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। टिक से शो कर दिया भाई ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 9 में अगर मैं 16 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 25, और ये आ गया मेरे पास 3x-6। ठीक है, और इसी तरह अब ये आ गया x+2 ओवर x-1। देखिए यहाँ पर ये और फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप इसी तरह का क्वेश्चन था पार्ट नंबर 5, अगर आप ऑब्जर्व करें इसी तरह था ना पार्ट 5 दिया हुआ, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जस्ट की थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर बीच में इज इक्वल टू है और दोनों तरफ फ्रैक्शन है, यहाँ इज इक्वल टू है, यहाँ दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बट ये फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपने एलसीएम लेकर पहले सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है। क्लियर? अब क्या करेंगे आप, कुछ ज्यादा यहाँ पर फ्रैक्शनल लाइन बड़ी बना दी, तो ये ब्रैकेट में लगे क्योंकि टू कम लगे, 5x + 25, ये x माइनस वन इधर आके मल्टीप्लाई होगी टर्म, तो ये हो गई x माइनस वन। यहाँ पर x प्लस टू लिखा हुआ था, इसको भी ब्रैकेट में कर लें, और ये 3x लिखा हुआ था, इसको भी ब्रैकेट में ही कर लें। तरह का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, यही था ना, शुरू के 3 स्टेप ज्यादा थे और वो थे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आप कुछ सोचें, जो उन्होंने पार्ट 4 पार्ट 5 दिया है, हमारे बुक में कोई नहीं है। अगर हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन के लिए जाएं, मतलब अगर कोई टीचर कहता है बेटा पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 आप कर लें, तो आप पार्ट 2 कर लेंगे, फिर बोलेंगे बेटा हम पार्ट 3 नहीं कर रहे, हम एक काम करते हैं हम पार्ट नंबर 1-6 कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। आप बोलेंगे सर 3 क्यों नहीं कर रहे, बेटा वो आप कर लेना, इसी तरह होगा। आप सोचेंगे यार हो सकता है कि ये सर को नहीं आता हो, मुश्किल हो, इसलिए नहीं करवाया। मतलब बच्चे तो यही कहते हैं, साफ बात है, बोलते हैं सर को नहीं आता होगा इसलिए इन्होंने नहीं करवाया, या वो एक टीचर लफ्ज़ कह देगा कि बेटा ये पेपर में नहीं आता। ठीक है, दो ही लफ्ज़ हैं, अगर वो सही कहता है पेपर में, खैर वो चीज़ नहीं आती जो वो बता रहे होते हैं, लेकिन आ भी तो सकती है, कंडीशन है। अब ये वाली जुमले आप मुझे भी बाद में जाके बोलेंगे सर ये चीज़ आ भी तो सकती है पेपर में, ना आपने ही कहा था ना सर करवाएं, नहीं कर रहे, नहीं हुई कोई चीज़, तो फिर मैं वो उस चीज़ को करवाता हूँ। तो यहाँ पर एक्स को 5x से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा -5x², इस x को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, तो अब ये हो जाएगा +25x, -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा +5x, -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -25। ठीक है जी, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पे गलत एरोज मैंने बना दिए थे, तो ये हो गया 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो -6x, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x, इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन की है, अब आप उसको देख लें पहले अच्छी तरीके से, जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है क्या वो गलत है या सही है, तो अब आप देखें 3x² था ये, तो आपने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया x 3x से 3x², x को -6x, फिर 2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 6x, अब आप देखें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही, लाइक टर्म सॉल्व होंगी, वो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो अब आप लिखोगे 5x² + 30x - 25 = 3x² + 12। अब आप क्या करेंगे, अब सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो अब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर -5x², ये 3x² इधर आएगा, तो बाद में हम पहले शिफ्ट करें फिर अरेंज करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये 3x² था, इधर आके माइनस का हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 30x है तो 30x, और क्योंकि x वाली टर्म यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड पर नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली -25 लिखेंगे, उसके बाद ये 12 है तो इधर आके -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 5 और -3 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x². अच्छा, अब 30x है तो 30x एज इट इज रख लें,
25 में 12 ऐड कर लें, अब कोई कॉमन आ रहा है, कोई नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे अब आप चेक करें कोई कॉमन आ रहा है नंबर, हाँ भाई कॉमन आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, 2 के टेबल में 8 आता है, 30 भी आता है, 12 भी आता है, माइनस भी कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस अच्छा नहीं लगता, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6। अब आप सोचेंगे माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर भी 12, तो यहाँ पर ये माइनस था तो ये प्लस था तो ये माइनस था तो ये प्लस। अब इस 2 माइनस 2 को 0 से डिवाइड करवा दें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी बता रहा हूँ कि माइनस 2 को हम 0 से डिवाइड करवाएंगे, उस वक्त मैंने कहा था तो मैं लिख रहा हूँ, बट आगे जाके नहीं लिखूंगा, तो अब याद रखेगा ये माइनस 2 0 से डिवाइड हो गया तो वो 0 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। चलिए जब मिडिल टर्म एक्सपेंशन है, मिडिल टर्म एक्सपेंशन से मुझे इसके फैक्टर्स बता दें आप लोग, मिडिल टर्म एक्सपेंशन से इसके फैक्टर बताने हैं तो जल्दी से मुझे इसके फैक्टर्स बता दें। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर और भी देखनी है, तो वो आपने क्या चीज़ देखनी है, फैक्टर्स तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी अगर आप देखें तो 2 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 12 था, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ये भी आपके पास माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास माइनस में से जब आप 25 करेंगे, माइनस 25 करेंगे तो अब ये आपके जो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 आपके पास यहाँ पर आंसर में आ जाएगा, ठीक है, तो एक दफ़ा इसको देख लिया करें आप लोग साथ साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो लिख रहे हैं, बाकी सारे तो यहाँ पर खैर नहीं लिख रहे, तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। और 25 में से 12 यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो उसको अब आप देख लें, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट करके लिख रहा हूँ, माइनस 25 में 12 करेंगे ऐड तो यहाँ पर आपके पास माइनस का, इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, अब इसके फैक्टर्स बताएं, आराम से फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास। अगर आपने सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है या माइनस कॉमन लेना है, बात एक ही है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपके पास
तो इसके फैक्टर्स जल्दी से आप लोग देख लें क्या आ रहे हैं, क्योंकि इसको आज जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे किसको? सर यही आंसर है क्या? मतलब बेटा ये आंसर नहीं है, अभी आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहा है। मतलब लास्ट टाइम हमने मिडिल टर्म एक्सपेंशन जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने डिस्कस की थी, और उससे से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और तकरीबन हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक ये वाला पार्ट रह गया था हमारा लास्ट वीक, तो अब आप यहाँ पर एक और नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, मिडिल टर्म एक्सपेंशन में इस 8 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है स्क्वायर, उस वाली टर्म को जो उसके साथ कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी उसका आंसर आए उसका आप एलसीएम ले लो, जो भी उसका आंसर आए उसका आप एलसीएम ले लो। जैसे 8 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 104 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 5 10, 2 2 4, 26, 13। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 104, क्योंकि एलसीएम क्या है, 104, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 30। तो यहाँ पर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 13 2 26, और 2 2 4, तो यहाँ पर 26 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 104, और ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 30। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आप इसको लिखोगे 8x² माइनस की जगह माइनस, 30 की जगह जस्ट 26 प्लस 4, और आगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर 8x² माइनस 26x, ये माइनस 26 और ये x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 और ये x, ठीक है, प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इन दोनों टर्म्स को शफल कर लो, कोई मसला नहीं है, और चाहो तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, और कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है x, और टू के टेबल में 8 आता है, टू के टेबल में 26 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लें, टू के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स आता है, तो ये x, ठीक है, टू के टेबल में ये 26 अब आता है, 13, तो 4x माइनस 13 आ रहा है। तो अब आप क्या करो, माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 13, और ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आपके दो फैक्टर्स आ गए, 2x माइनस 1, 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने अब प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। एक आंसर आ गया जिसको हम रूट कहते हैं, और ये आ जाएगा 4x माइनस 13 था उधर जाके प्लस 13, और x इक्वल्स टू 13/4। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, और हम इसको क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन सेट हाफ 13/4। तो इसको देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें इसमें हमने किस तरह इसको सॉल्व किया है, और उससे पहले हमने क्या किया था, एलसीएम लेना सीखा था। तो एलसीएम आपको आना चाहिए, जब आपको एलसीएम आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ 26 प्लस 4, गुड, तो लाइबर ने मुझे यहाँ पर भेजा था एलसीएम 26 प्लस 4, ठीक है, बट मैंने देखा अभी है। तो इसके बाद अब आप एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जाएंगे, जो है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कॉपी डाउन कर लें, करना है 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद मैं आगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करूंगा, जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड एक नई चीज़ भी उसमें बतानी है, ठीक है, तो अभी आप जल्दी से इसको देख लें।
अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेंगे तो आप इसको कर लिएगा, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेंगे तो अब आपकी मर्जी होगी, 3.2 में भी मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट अब आपकी क्योंकि मर्जी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, तो ये जो आपका लास्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब सारे पार्ट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाते हैं, मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि बेटा आप जो मेथड यूज करें वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, बट जो आपको मुश्किल नज़र आ रहा यूज़ करें। और इसी तरह का एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, जो आप देखेंगे वो आपको नज़र आएगा 3.2 में। जस्ट यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है इसके अंदर अब हमने ये क्वेश्चन करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है पहले मैट्रिक में, ठीक है, बट मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके तीन मेथड होते हैं सॉल्व करने के, पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे इजी मेथड यही होता है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, कौन कौन सी हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं किया, तो मैंने सोचा था कि क्वेश्चन आपको बता दूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, बट कल आप जब इंशाल्लाह ताला आएंगे फिजिकल क्लास में तो वो समझाना आसान होगा बोर्ड पर, तो यहाँ पर इसलिए मैंने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया। तो बाय द वे अब ये तीन याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, अगर इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, मतलब ए बी सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो ए बी सी है ये जस्ट नंबर्स है, कोई भी नंबर हो सकता है। जिससे अब आप क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन 3.2 का, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 8, सॉरी 6 लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ है -5, और लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है, -4। तो ए बी सी आपके पास यहाँ पर जस्ट ये बता रहे हैं कि ये कोई भी आपका नंबर हो सकता है। अब नंबर तो जाहिर सी बात है इसी तरह होगा, जिस तरह अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आप देखें ए बी सी क्या था, ज़रा ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर के साथ क्या था 8, एक्स के साथ क्या था -30, ठीक है, और ये क्या था सी, तो ये ए ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये ए बी सी है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पर ये देख लें, ये ए ये बी और ये सी। तो अभी जैसे आपने, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये एक्सरसाइज, कोई भी नहीं करवाता क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो 3.1 3.2 है, ये एक्सरसाइजेज आपकी 3.4 3.6 3.8 में खुद ही आ जाएंगी। तो इसलिए एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। अब मैं आपको ये शुरू में चाहता, मैं बोलता बेटा 3.1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, 2 से भी नहीं आता, हम 3.3 का पहला सवाल कर लेते हैं क्योंकि वो पेपर में आता है। क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर को नहीं देखना, हमने अपने कोर्स को देखना है, मैक्सिमम हमने कोर्स कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम कोर्स। अब देखें मैंने यहाँ पर अगर आपको 3.1 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अब 6 के वो 6 नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, 2, 3, 4, मैं चाहता क्वेश्चन नंबर 1 देता और 1 का सिर्फ 1 पार्ट ही करवाता, 2 पार्ट बोलता बेटा आप घर पे कर लेना हो जाएंगे, ठीक है। 45 मिनट्स की नॉर्मल क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता तो मैं 6 का कहता बेटा पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पार्ट 2 आप खुद कर लें, पार्ट 3 मैं करवा देता हूँ, पार्ट 4 5 3 की तरह होंगे और 6 7 जो है वो भी इसी तरह होंगे, आप घर पे कर लेंगे। बहरहाल घर पे करने का टाइम ना आपको मिलेगा, क्योंकि आप जब कोचिंग आओगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कि 4-6 घंटे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, कोचिंग में बैठना मुश्किल है, और आप 1 घंटे के बाद बोलोगे सर छुट्टी दे दें, सर छुट्टी दे दें। तो बहरहाल तो ये आपने ये चीज देखने के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, बार बार मैं बताता रहूंगा जब तक चैप्टर 3 खत्म नहीं होगा,
खासतौर पर जब तक हम 3.6 तक नहीं पहुंचने वाले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, और ये भी बताता रहूँगा ये ए बी सी आपके पास कॉन्स्टेंट है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक है, सॉरी फार्मूला तो मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है, जिस फॉर्म में इक्वेशन होगी, फॉर्म है एक्स की, मतलब जिसके ऊपर पावर होगी स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर है पावर स्क्वायर, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, 6.8 में टीचर्स करवाते हैं, क्योंकि पेपर में भी ये सवाल आ जाते हैं। तो बहरहाल हमारे में लिटरली बता रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज 3.4 में जाएंगे, 3.6 में जाएंगे, 3.8 में जाएंगे, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो इन तीन मेथड्स में से आपको अच्छा लगता है ना, आप उससे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। बस ये मैं रिव्यू के तौर पे आपको स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिखना है और हेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब आप देख लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी, और सी मतलब वो नंबर है जिसके साथ कोई एक्स नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ए इक्वल्स टू 6, बी इक्वल्स टू माइनस 5 और सी इक्वल्स टू माइनस 4 फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इक्वेशन एक्स की फॉर्म में। तो अब आप यहाँ बताओगे, सिंस दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे का मतलब, सिंस एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, देयर फोर जैसे हम फॉर्मूला हमने रिकॉल किया है आपको कि भाई ये फॉर्मूला है, अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो लिहाजा देयर फोर का मतलब लिहाजा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह आपने जस्ट माइनस फाइव रखना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है तो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह 6 और सी की जगह माइनस फोर ओवर टू ए। तो इसको अच्छी तरीके से देख लें और अब इसको सॉल्व कर लें। ये तो चीज़ें आपको सॉल्व करना आती हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ हैं। तो अब माइनस माइनस यहाँ का ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो प्लस फाइव, और वैसे प्लस लिखते नहीं है, मर्जी आपकी है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें। फाइव फाइव जाए ये 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर हम करते हैं मतलब माइनस फाइव को दो मरतबा लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस। फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो आपके पास आंसर जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लें फोर से, तो आपके पास टोटल आंसर हो जाएगा 96, और आंसर 2 6 12। तो ये 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 में 96 आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 121 ओवर 12। 121 स्क्वायर रूट होता है आपका 11 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 ओवर 12। अब बच्चे यहाँ से एक्स लिखना भूल जाते हैं, अब यहाँ पर एक्स शो कर रहा है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है, तो ये आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस 11 ओवर 12 कॉमा, यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 11 ओवर 12। फाइनली एक्स के अंदर आप 11 के अंदर 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 16 ओवर 12 एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 के टेबल में दोनों आते हैं मैक्सिमम, तो 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो एक्स का आंसर आ गया 4/3, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, 11 में से आपने 5 माइनस कर दिया तो माइनस 6 ओवर 12, और ये फाइनली माइनस 1/2। सॉल्यूशन सेट लिखना है तो सॉल्यूशन सेट 4/3 कॉमा माइनस 1/2। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, एक बात याद रखिएगा कि जब हम एक्सरसाइज 3.4, 3.3, 3.8, 3.7, 3.6 जब हम ये सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा मिडिल टर्म एक्सपेंशन की वजह से, बट जैसे डे बाई डे आप उसको यूज़ करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। अगर आपको वहां पे मिडिल टर्म एक्सपेंशन मैट्रिक वाली नहीं आती लाइक सपोज, तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आगे जाके जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, ये आपको तीन मेथड बताएं, अगर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो गया तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो काम आएगा आएगा, ठीक है, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इसको देख लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। मैं यहाँ पर क्लास ऑफ कर रहा हूँ, कल क्लास कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है अमान, आपने यहाँ पर मुझसे पूछा कि पहले माइनस वाला, तो आप पहले माइनस वाला लिखो या प्लस वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मर्जी आपकी अपनी है, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, फिर मैं क्लास यहाँ पर ऑफ करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर कल जिंदगी रही तो कल फिजिकल क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।